सभी को स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। यह है लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस का टेस्ट, साथ में इसमें कुछ आपके कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। और ये जो आपके प्रश्न है वो KVS लाइब्रेरियन एग्जाम में आए हुए प्रश्न रहेंगे। अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। RPSC के जो 300 प्रश्न हैं वो भी आप ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गई होगी, वीडियो का लिंक आई बटन पर है। सबसे पहला प्रश्न इसमें जो है, हु डेवलप 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी, किसने सूचना साक्षरता के साथ चेहरे विकसित किए? तो क्रिस्टीन, सुजैन, ब्रूस ने जो है विकसित किए, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, TD विल्सन द्वारा गढ़ा गया इंफॉर्मेशन सीकिंग शब्द किस वर्ष में बनाया गया था? तो ये जो इंफॉर्मेशन सीकिंग जो है कब कॉइन किया गया TD विल्सन द्वारा, तो ये किया गया था 1981 में। भारतीय पुस्तकालय समीक्षा का एक ब्लॉग है, तो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू इज अ ब्लॉग ऑफ, तो किसका ब्लॉग है इनमें से? तो ये ब्लॉग है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। कॉलन वर्गीकरण के 6वें संस्करण में चरण संबंध अंक बी जो है दिखाता है, डिजिट बी जो है वो क्या शो करता है यहाँ पर? तो वो करता है बायस, तो बायस कह सकते हैं भेदभाव। अगला है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर्स है, माउस नहीं होगा इसमें। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP वॉज लॉन्च्ड बाय, तो सूचना सभी कार्यक्रम के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया था। AACR2 इज रिप्लेस्ड बाय के, तो किसके द्वारा ये प्रतिस्थापित किया गया? तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, तो ई एक्स्ट्रा है यहाँ पर। अगला है, यूरोपा सीखने की दुनिया, तो यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है क्या है? तो यह है इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी। DBase जो है वो क्या है? तो यह है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ISBN के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी में स्थित है, तो कहाँ स्थित है ये? दिल्ली में। बर्न कन्वेक्शन 1886 किससे संबंधित है? कॉपीराइट से। डेटाबेस इंडियन पेटेंट्स जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो NESCAR द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चयन के लिए उपकरण है? तो डेटा इंडिया। नेशनल बुक ट्रस्ट NBT का स्वायत्त शासी कार्य है जिसके तत्वाधान में, तो किसके तत्वाधान में है? तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD। लिनक्स किसका उदाहरण है? तो लिनक्स जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। डबलिन कोर मेटा डेटा के होते हैं कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो 15 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। ई शोध सिंधु है, अ कंसोर्टियम। निम्नलिखित में से कौन सा CCC एडिशन जो आपका पांचवा जो है एक मुख्य प्रविष्टि का खंड नहीं है इनमें से? तो आपका नेम सेक्शन। अनुवादकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को बनाए रखा जाता है, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन द्वारा। जनरल द्वारा सामग्री का एक उदाहरण है, कंटेंट्स बाय जनरल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, CAS का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता का प्रकाशन है? इंडेक्स इंडियाना।
महत्वपूर्ण घटना तकनीक मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है। तो ये होती है सिंगल रिसेंट इवेंट पर जो है केंद्रित होती है। पुस्तक द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लिटरे, तो यहाँ पर जो लाइब्रेरी है लाइब्रेरी, तो ये बुक जो है द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, तो ये बुक जो लिखी गई है एसएल बेकर एंड एफ डब्ल्यू लैंकास्टर द्वारा लिखी गई है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है अफ्रीकी रिकॉर्ड किस प्रकार का प्रकाशन है, अफ्रीकन रिकॉर्ड, तो ये आपका न्यू डाइजेस्ट का है। अगला प्रश्न है पिछले वर्ष के बजट पर विचार किए बिना पुस्तकालय बजट तैयार करना निम्नानुसार है, तो ये होगा जीरो बेस्ड बजटिंग। तो तीन कार्ड सिस्टम जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया, ऐसा रंगनाथन। कॉलेशन और सिलाई किस संप्रदाय की गतिविधियां हैं, तो मेंटेनेंस सेक्शन की है ये। पॉल जुकोस्की द्वारा गढ़ा गया सूचना साक्षरता शब्द है, तो कब ये जो है इन्होंने कॉइन किया था, 1974 में। फैक्ट्स ऑन फाइल इज पब्लिश्ड बाय एच डब्ल्यू विल्सन। अगला प्रश्न है 1954 में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत किसने दिया, पीटर ड्रकर ने। कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित राज्य लोक अधिनियमों की व्यवस्था करें, इसमें दो पहले कौन सा बना उसके बाद इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसमें आपको प्लेस करना है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपने ऑप्शन देखा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात जो है 2001 में, बिहार जो 2008 में, गोवा जो है 1993 में, और फिर अरुणाचल प्रदेश है 2009 में। तो इसमें जो आपका कोड बनता है वो कौन सा हो जाएगा, दो। बाकी आप इसको ध्यान रखें। डेटा इंडिया की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वीकली होती है ये। गतिविधियों के निष्पादन पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए प्रबंधन का कौन सा स्तर जिम्मेदार है, तो मिडल लेवल ये इसके लिए जिम्मेदार होता है। निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक माना जाता है, एनसाइक्लोपीडिया को। दस्तावेजों के अधिग्रहण कार्य में शामिल थे, सिलेक्शन प्रोक्योरमेंट असेसनिंग। एसआर रंगनाथन ने डैश टर्म का उपयोग किया है मोबाइल लाइब्रेरी के लिए, तो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। डी रिप्लेसमेंट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। कॉलन वर्गीकरण का भाग तीन जो है इसमें छठवां संस्करण इससे संबंधित है, तो इसमें विशेष नाम के साथ क्लासिक्स और जो पवित्र पुस्तकों के कार्यक्रम से सेक्रेड बुक्स, तो सेक्रेड बुक्स साथ में भी आएगा इसमें क्लासिक्स, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खर्च किए गए विशेष पुस्तकालय बजट का प्रमुख हिस्सा है, पीरियोडिकल्स। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अधिनियम किया गया था 2006 में। तो यहां पर जो है कॉलन वर्गीकरण के छठवें संस्करण में पूर्ववर्ती सामान्य पृथक में जो एम है वो दर्शाता है। तो दर्शाता है पत्र पत्रिकाएं, पीरियोडिकल्स। एस आर रंगनाथन के अनुसार वर्गीकरण के लिए डैश योजना में
अतीत, वर्तमान, प्रत्याशित, भविष्य के सभी विषयों को शामिल करते हुए एक ही अनुसूची अनिवार्य रूप में शामिल है। तो एक गणना सूचक। अगला प्रश्न है, जो एक पुस्तकालय की आउटरीच सेवाओं का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें होगा नियमित उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने का इरादा नहीं होता। सामग्री सार फोटोकॉपी सेवा जो है एक अभिन्न व्यक्तिगत सूचना सेवा है। नेस्केयर की, तो यहां पर इसकी फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस, CAPS। किस भारतीय राज्य में अपने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तक उपकर का कोई प्रावधान नहीं है? तो कौन से में नहीं है जो लाइब्रेरी सेस का, तो केरला में या फिर केरल में। लीजा प्रिंट संस्करण की आवृत्ति क्या है? तो मंथली, मासिक है। अगला प्रश्न है, पार्ट जे ऑफ CCC एडिशन 5 जो है वो डील करता है किसके साथ? तो रेंडरिंग ऑफ नेम्स। तो कॉर्डन इज रिलेटेड टू, अगला प्रश्न जो है, तो कॉर्डन किससे संबंधित है? तो सीरियल से संबंधित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? पटना, बिहार में। ई ज्ञान कोश एक राष्ट्रीय डिपॉजिटरी द्वारा लागू किया गया था, इग्नू के द्वारा। ISBN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। तो ये थे आपके 50 प्रश्न, इनमें आपका जो भी स्कोर रहा है इन पेपर में से, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। सभी आंसर्स के जो KVS के द्वारा जो की जा रही गई है उसके अकॉर्डिंग ही है। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। राजस्थान GK की जो सीरीज चल रही है RPSC और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, वो आप दोनों ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेली बेसिस पर जो वीडियो आती है। सो थैंक यू।